हेलो फ्रेंड्स स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर टेन है जो कि एक्सरसाइज फिफ्टीन ए चल रहा है तो ये क्वेश्चन है द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज छः सेंटीमीटर यानी कि जो एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है जैसे कि हाँ ये क्या हो गया एक इक्विलेटरल ट्रेंगल इसमें होता क्या तीनों साइड बराबर होता है तो अगर हम एक साइड को अगर ए मानते हैं तो ये भी साइड ए होगा और ये भी साइड ए होगा क्योंकि तीनों साइड बराबर है आपस में तो जो हाइट है इक्विलेटरल ट्रेंगल इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो हाइट है सबसे पहले हम हाइट बना लेते हैं तो ये हो गया हाइट अब ये जो हाइट है ये गिवन में दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर तो छः सेंटीमीटर छः सेंटीमीटर और फाइंड इट्स एरिया और इसका एरिया पूछा जा रहा है तो इसके लिए एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा इसका साइड क्या होगा यानी ए का वैल्यू निकालना है और हमारे पास इक्विलेटरल ट्रेंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला आता है हाइट और एरिया का तो हाइट का फॉर्मूला होता है जैसे कि हाइट का फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाई टू ए और ए यहाँ पे क्या है ट्रेंगल का साइड है और यहाँ पे हमारे पास हाइट क्या है गिवन में दिया हुआ है छः सेंटीमीटर तो हम इसका यूज़ कर लेंगे सिक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ए और यहाँ से ए का वैल्यू निकाल लेंगे ए का वैल्यू आ गया तो साइड पता चल जाएगा तो ए का वैल्यू क्या होगा जैसे कि यहाँ पे छः है और यहाँ पे डिवाइड में दो है तो छः गुना दो करेंगे तो बारह हो गया और नीचे क्या हो जाएगा रूट थ्री तो बारह बाय रूट थ्री ये हमारा क्या हो गया साइड अब हमें क्या निकालना है फाइंड इट्स एरिया एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर तो बस हमें यही यूज करना है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर तो रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह तो रूट थ्री बाय फोर इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू क्या लिया? बारह बाय रूट थ्री तो दो बार होगा बारह बाई रूट थ्री इंटू बारह बाय रूट थ्री क्योंकि ए स्क्वायर है इसके बाद हम क्या करेंगे नीचे हमें दो गो दिख रहा होगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है थ्री होता है तो यहाँ से आ गया थ्री और यहाँ से हम चार से बारह को काटेंगे तो तीन बार में कट जाएगा और ये तीन और ये तीन आपस में कैंसिल हो जाएगा बच क्या गया ये बारह और ये रूट थ्री तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ट्वेल्व रूट थ्री तो यहाँ से आ गया बारह रूट थ्री और हमारे पास रूट थ्री का वैल्यू यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है कि वन पॉइंट सेवन थ्री तो हमें क्या करना है बारह इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री करके चेक कर सकते हैं जैसे कि खुद से मल्टीप्लाई कर लें या फिर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें hmm. कितना है बारह इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री इज इक्वल टू टू बीस छिहत्तर यानी कि यहाँ पर क्या आ गया ट्वेंटी पॉइंट सेवन सिक्स क्या है ये एरिया तो एरिया का फॉर्मूला होता है यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया आंसर मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद